बड़वा से नर्मदा तट के आसपास हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए ग्रामवासी एकजुट होकर सामने आए और सजग रहे। नर्मदा तट से अतिक्रमण और अवैध कब्जों को रोकने के लिए उच्च स्तरीय प्रयास किए जाएंगे। विधायक सचिन बिरला ने नर्मदा तट स्थित ग्राम कटघड़ा में विधायक चौपाल में ग्रामीणों से कहा। ग्राम कटघड़ा में ग्रामीणों ने बिरला से चर्चा के दौरान नर्मदा के तटवर्ती क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर किए जा रहे अतिक्रमण और अवैध कब्जों पर गहरी चिंता व्यक्त की। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम कटघड़ा के खसरा नंबर 89 और 81 के गोचर भूमि की लगभग 3.25 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। इसी प्रकार ग्राम टोकी में ग्रामीणों ने बिरला को ग्राम के आसपास ही रहे अवैध मिट्टी उत्खनन से अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध मिट्टी उत्खनन के कारण ग्राम के आवागमन मार्ग खराब हो रहे। मिट्टी निकाले जाने के बाद बने गड्ढों में पशु गिरकर घायल हो रहे और खेतों में जाने में परेशानी हो रही। विधायक बिरला ने पटवारियों और ग्राम सचिवों से अवैध मिट्टी का उत्खनन रोकने के निर्देश दिए। बिरला ने नर्मदा तटीय ग्रामों टोकी, मेहताखेड़ी, कटघड़ा, रामगढ़, बेलसर, विमलेश्वर, रेवाधाम, मुराला, कपाय स्थल, रतनपुर, सुल्तानपुर, नवलपुरा, गंगापुर, भौरई, बावड़ी खेड़ा में ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। भैया अपनी जमीन जाई रही, अब चलो हमारे साथ, पूरा गांव तो आंख बंद नहीं कर लेगा, कान भी बंद नहीं कर लो, 50 लोग तो वापस जाएगा लोग। जब हम कब्जो हटाने गया, कोई पहलवानी दादागिरी कर मतलब यो क्या हो, तहसीलदार के भेजूंगा, SDM के भेजूंगा, नहीं आया कोई भी पुरानी लड़ाई मत लड़ जो बड़ा भाई। हमारा गरीब आदमी, हमारा दलित भाई, हमारा आदिवासी भाई, समाज का गरीब तबका जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उसको अगर लाभ नहीं मिला तो समझो हम पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे आ रहे हैं। समाज की को जो अंतिम आदमी है समाज का, उसको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम सरकारों का होता है। आर्थिक रूप से आप समृद्ध हों, आपके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, इस अवसर पर मैं दोनों समाज को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा कर रहा हूँ। विधायक श्री सचिन बिरला जी बड़वा के नर्मदा तटीय क्षेत्रों के ग्रामों का दौरा कर रहे हैं। मैं विधायक जी से जानना चाहूँगा कि यहाँ के ग्रामीणों ने मुख्यतः कौन सी समस्याएँ आपके सामने उठाई और आप उनका क्या समाधान करने जा रहे हैं। आज मैं नर्मदा तटीय हमारे जो गांव हैं उनके दौरे पर हूँ। सेमल्ला, मुरल्ला, भोरई, सुल्तानपुरा, टोकी, मेहताखेड़ी, इन सभी हमारे गांवों के दौरे पे था। मुख्यतः जो समस्या हमको दिखाई दी, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो एक बड़ा यहाँ का विषय है वो है अतिक्रमण। नर्मदा तटीय क्षेत्रों की पंचायतों की जो सरकारी जमीन होती है उसके ऊपर कई लोगों ने अतिक्रमण करने जा रहा है। अवैध उत्खनन की समस्या आई, मट्टी की समस्या आई, मट्टी यहाँ पर हमारा टोकी गांव है, छोटा सा गांव है, उस गांव से मट्टी जाती है, अवैध मट्टी लेकर जाते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने अभी अधिकारियों से बात की, उसको भी रुकवाना है। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वा से सागर जाट की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।